सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचमहल जेल में सरेंडर कर दिया। दोषियों ने 21 जनवरी रविवार की रात को सरेंडर किया। सेंट्रल जेल गोधरा के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी 11 दोषियों ने आज समर्पण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी तक सरेंडर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को अपने फैसले में 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था। इसके बाद 3 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरेंडर के लिए 4 से 6 हफ्ते और देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद और समय न देने से मना कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। गुजरात सरकार ने गुजरात दंगों में जुड़े बिल्किस बानो गैंग रेप केस के दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। जेल से इन दोषियों की रिहाई पर फूल माला के साथ स्वागत किया गया था। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। तब इनकी सजा माफ और समय पूर्व रिहाई से जुड़ी कमेटी के सदस्य रहे बीजेपी विधायक ने दोषियों का बचाव किया था। उन्होंने एक अपने बयान में कहा था कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। गोधरा के विधायक सी के राहुल जी का बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। इसके बाद 11 दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 7 जनवरी 2023 को दोषियों की सजा माफी को गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताते हुए रिहाई को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सभी दोषियों को दोबारा से जेल में सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।